नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। भाजपा के अनेक पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी। हटा निकाय चुनाव में दोनों की प्रमुख पार्टियों से टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों की अपेक्षा से नाराज पदाधिकारियों का पार्टी छोड़ने का दौर जारी है। सत्ताधारी भाजपा पार्टी पदाधिकारियों द्वारा लगातार अपने अपने पदों से इस्तीफे से दमोह की राजनीति गरमाई हुई है। बुधवार को हटा नगर मंडल के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे दीपक जैन, नगर मंडल उपाध्यक्ष प्रमोद पुजारी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष कृष्णा साहू, संयोजक अशोक चौरसिया ने दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी पदाधिकारियों ने ब्राह्मण धर्मशाला हटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपने इस्तीफे का औपचारिक ऐलान किया। पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक जैन का कहना है कि दमोह जिला भाजपा में बैठे पदाधिकारी पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से भटककर स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। मेहनती व सक्रिय कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दूसरे दलों से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है, जिससे उपेक्षित होकर दुखित मन से आज वह अपनी बरसों पुरानी पार्टी छोड़ रहे हैं। दीपक जैन ने कहा कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व आंखों में पट्टी बांधकर जिला भाजपा पर विश्वास कर जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर पुराने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा कर रहा है। जिलाध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से निर्णय ले रहे जो कि भाजपा की रीति नीति के खिलाफ हैं। जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि मैदानी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इससे पूरा प्रदेश अवगत है। दीपक जैन ने बताया कि वह फिलहाल किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी टीम के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निकाय चुनाव के मैदान में उतरेंगे। हटा में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बगावती रवैये और नाराजगी का असर निकाय चुनाव पर पड़ना तय है। अब सत्ताधारी पार्टी भाजपा को प्रतिद्वंदी कांग्रेस के साथ साथ अपनों से निपटने की भी चुनौती होगी। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। मैं दीपक जैन, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष, आज हमारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग हमारे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य बहुत दिनों से चल रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। काफ़ी समय से बहुत दुखी था, हमें अपने मन की बात आप लोगों के सामने रखना थी, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या उद्देश्य, किस बात को लेकर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? उद्देश्य स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे खिन्न होकर आज हम भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने मंडल अध्यक्ष को जा रहे हैं। जैसे कि क्या मतलब? इसमें सबसे मूलभूत बात यह है कि प्रदेश स्तर पर प्रदेश का जो नेतृत्व है, वर्तमान में जो जिले की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बनी हुई है, प्रदेश नेतृत्व आंखों में पट्टी बांधकर भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ताओं को नकार कर नए आए हुए का बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मोबिलाइज कर रही है, पुराने वरिष्ठ अनुभवी कार्यकर्ताओं को घर बैठा दिया गया है, इससे प्रदेश नेतृत्व पूर्ण तरह से अवगत है। उसके बाद भी प्रदेश नेतृत्व जिले के प्रतिनिधि जो संगठन में बैठे हैं उनको कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, एवं जिले के अध्यक्ष अपने मनमाने तरीके से जिले में भारतीय जनता पार्टी के निर्णय ले रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों के खिलाफ है। आपके साथ कितने लोग इस्तीफा दे? अभी आज हमारे साथ भाई पंकज सोनी, अशोक चौरसिया चंपी, आनंद नामदेव अन्नू, प्रमोद पटेल पुजारी, कृष्णा साहू जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हटा के अध्यक्ष हैं वो, राहुल कस्तौर, गोलू यादव, विक्रम बर्मन, अभी कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, आएंगे। अगर आज नहीं आ पाएंगे तो आगे इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना इस्तीफा देंगे।